एक बार इस गांव को देखिए, एक बार इन लोगों को देखिए। चेहरा मुरझाया हुआ है, दिल में तड़प है, आंखें नम है। इस घर के लोगों ने एक सपना देखा था, अपने बेटे को विदेश में पढ़ाने का, अपने बेटे के उज्ज्वल भविष्य का। लेकिन इन्हें क्या पता था कि एक महामारी इनकी खुशियों को निगल लेगी। दरअसल 22 साल का सूरज कनाडा पढ़ाई करने गया था, लेकिन विडंबना तो देखिए, सूरज की तबीयत खराब हो गई और इलाज के दौरान बीते शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। अब सूरज के परिवार वाले मदद के लिए दर दर भटक रहे हैं। सूरज के परिवार वालों का कहना था कि सूरज की तबीयत खराब थी और उसकी मौत हो गई, लेकिन कनाडा सरकार सूरज की डेड बॉडी नहीं दे रही है। वहां के अधिकारियों का कहना है कि सूरज कोरोना वायरस से संक्रमित था या नहीं, इससे पहले इसकी जांच होगी, इसके बाद सूरज की डेड बॉडी रिलीज की जा सकेगी। सूरज के घर के लोग इस बात से काफी परेशान हैं और वे सोच रहे हैं कि इसके बाद आगे क्या होगा। कोरोना वायरस की तो दहशत पूरे ऑल वर्ल्ड में ही फैली हुई है। आप जानते हैं ये तराई क्षेत्र है, यह मिनी पंजाब कहा जाता है इसको। यहाँ से प्लस टू के बाद ही बच्चे लोग सब बाहर के लिए आईलेट्स किया और बाहर विदेश चले। ज़्यादातर बच्चे बाहर ही हैं, विदेशों में हैं। और जब से ये खबर आई है कि हमारे पास में एक लड़का जो जिसको निमोनिया हो गया था वो ख़त्म हो गया, उससे एक दहशत बन गई है सबके मनों में। यहाँ परिवारों में भी दहशत है और विदेश में रह रहे बच्चों में भी दहशत है। अभी सुबह ही मेरी बात हुई थी, मेरे बुआ जी हैं तो वो कनाडा गए हुए हैं। उन लोगों के वो बता रहे थे कि उन लोगों के बाहर मतलब एक नोटिस चिपक गया है कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो घरों में कैद है। वहाँ पे जो जॉब पे जा रहे हैं वो वहाँ पे किसी के साथ बात नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपना काम करते हैं, मतलब पूरा वहाँ वो लोग इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन इस चीज़ से ये है कि अभी जैसे ये सूरत लड़का ख़त्म हुआ है, जो इसके परिवार वाले वहाँ ना जा सकते हैं उसको लेने के लिए, या उनसे उसको मतलब अंतिम संस्कार के लिए वहाँ भी नहीं जा सकते, क्योंकि इनको भी डर है कि वहाँ चले गए तो वापस आना कहीं मुश्किल ना हो जाए, वहाँ रोक दिया जाए, और उनकी बॉडी को भी यहाँ आने से रोका जा रहा है कि नहीं आने देंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। तो इस चीज़ से एक दहशत है, माहौल सारा खराब है और सारा व्यापारी भी परेशान है इन चीज़ों से, घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। सूरज के रिश्तेदारों का ये भी कहना है कि वो पहले कनाडा जाकर सूरज का अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन अब नहीं जाना चाहते हैं। कोरोना वायरस की वजह से देश के बाहर जाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए कनाडा में रह रहे उनके रिश्तेदार ही सूरज का अंतिम संस्कार करेंगे। मेरा भतीजा 1.5 साल पहले कनाडा में पढ़ने गया हुआ था, तो शुक्रवार की सुबह उसे कमर में दर्द हुआ, तो बाकी खांसी जुकाम हुआ। मेरा छोटा भतीजा बोला कि इसको दवाई दिला लाऊं, तो दवाई दिलाने के लिए वहाँ गए और जा रहे थे, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि मैं उसे भर्ती करूँगा, उन्होंने वो भर्ती कर लिया। और बाद में जो है कुछ तो 2-3 घंटे बाद उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर के अनुसार निमोनिया से इसकी डेथ हुई है। हम लोगों ने पहले जो सोचा कि वहाँ जाके उसका क्रिमिनेशन कराएं, लेकिन फिर ये कोरोना वायरस की डर की वजह से हम लोगों ने वहाँ जाने का प्रोग्राम हटा दिया। और वहीं के रिश्तेदार और तमाम फैमिली के लोगों ने ये कहा कि हम लोग मिलकर क्रिमिनेशन कर देंगे, आप लोग वहीं रहो, तो हम लोगों ने वहाँ जाने का इसलिए प्रोग्राम हटा दिया। नहीं पता लगा कि जो आपके कनाडा फैमिली अभी तक सब नहीं मिला, तो किस तरह की वहाँ प्रक्रिया चल रही है? अस्पताल में बहुत भीड़ भाड़ है, इस वजह से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, तो उम्मीद है कि आज शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी। ये सब क्यों रोके पड़े, क्या दिखाना, मतलब कोई जांच चल रही है सबकी? हाँ जी, पूरी हो सकता है कि पूरी बॉडी की कुछ जांच करते हों, ये डॉक्टर ही बता सकते हैं। पुष्टि अभी नहीं हुई किस चीज़ से ख़त्म हुए हैं? डॉक्टर तो यही कह रहे हैं कि निमोनिया से डेथ हुई है, बाकी तो वो बाद में ही बता पाएंगे। PM के बाद पता लगेगा? PM तो नहीं, शायद PM के तो नहीं कह सकता, इसको जाँचें ही हो रही हैं, जैसे कि मतलब अस्पताल में आदमी बीमारी से किस वजह से डेथ हुई है, PM के बारे तो कुछ सामने सुना नहीं है। मतलब यहाँ तक किस तरह वहाँ जाने में दिक्कत आ रही है इस समय की जो घटना है,
आने जाने दिक्कत में? तो कोई नहीं आ रही है। हम लोग जो कोरोना वायरस जो चल रहा है इसके डर की वजह से हम लोग उन्होंने वहाँ जाने का प्रोग्राम टाल दिया है कि समय काफ़ी लग सकता है। पीलीभीत से सौरभ पांडे के साथ कृपा शंकर झा, यूपी तक।